हेलो हाय एवरीवन। तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बेबी को कैसे 2 मिनट में सुलाया जाता है और बेबी का कब सोने का टाइम है। मॉम से बेहतर किसी को नहीं पता होता। तो देखिए मेरा बेबी जो है सोने का टाइम हो गया है। उसका आंखें जो है छोटी छोटी हो जाएंगी, थोड़े बहुत लाल हो जाएंगे और दो हाथों से अपने आँखें रगड़ने लगेंगे और थोड़ा बहुत हल्का सा रोने लगेंगे बेबी। तभी हमें समझ जाना चाहिए जो है बेबी को नींद आया है। तो चलिए अब दिखाते हैं कैसे बेबी सो जाएगा 2 मिनट में। देखिए मेरा बेबी कुछ भी जो है वैसे ही अभी नींद आ गया है और ये है अभी 5 महीने का। तो नींद आते ही आपको क्या करना है, गोद में लेकर हल्का सा हिलाना है और बेबी को जकड़ कर रखना है गोद में ताकि उसे महसूस हो उसकी मम्मी उसके पास है। जैसे बिल्कुल मैं जैसे पोजिशन में आप लोगों को दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है। फीडिंग करते वक्त बेबी सोता है ना तो बहुत बुरा लगता है कहीं आने जाने पर। देखिए इसी तरह से आपको बेबी को हल्का सा दुलाना है, मतलब हिलाना है और थोड़ा सा गुनगुन गाना टाइप्स कुछ थोड़ा सा गुनगुनाना है आपको। अगर बेबी बैठे बैठे ना हो तो थोड़े से खड़े हो जाना है आपको, खड़े होने के पोजिशन में होता है। तो देखिए बेबी जो है बिल्कुल सोने के मूड में आ गया, अभी भी सोया नहीं है। अब देखिए बिल्कुल वो सो गया है एकदम। और सुलाने के टाइम पे बेस्ट तरीका है आप सीधे मत सुलाओ बेबी को। वो अचानक से थोड़ा बहुत आवाज़ होता है, कुछ भी होता है, बेड पर आप उठते हो तो बेबी जो है ना उठ जाता है हठात ही, सडनली वो चमक कर उठ जाता है तो वो बहुत ही बुरा होता है। तो देखिए बेबी को सुलाने के टाइम पे आपको साइड घुमाकर, मतलब एक साइड में बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ, एक साइड पे घुमाकर अच्छे से ऊपर उसके पीठ के ऊपर ज़रा सा आपको ऐसे थपथपाना है और दो साइड में आपको तकिए दे देने हैं पैर के, एक तो पीठ के पीछे और एक पैर के नीचे। उसके बाद स्विच ऑफ कर देने हैं ताकि ज़्यादा लाइट में बेबी नहीं सोएगा। देखिए पैर के ऊपर ऐसे ही आपको दे देना है, उसे महसूस होगा वो अपनी माँ के गोद में है। तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।